अस्सलाम वालेकुम, आपको वेलकम करता हूँ टूर एंड ट्रैवल यूट्यूब चैनल पर। जी हाँ, तो नाजरीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ फैसल मस्जिद में, और फैसल मस्जिद को खूबसूरत नज़र साथ साथ हाजिर होंगे इस वीडियो में। तो अब मैं आपको यहाँ पे बताना चाह रहा हूँ कि फैसल मस्जिद जो है वो सऊदी अरेबिया के शाह फैसल की मदद से जो है वो उसके दामन से फैसल मस्जिद तमीर की गई, बल्कि बहुत बड़ी मस्जिद है माशाल्लाह से। और आए इसका व्यू करते हैं, लार्जेस्ट मॉस्क इन पाकिस्तान, दिस इज शाह फैसल मस्जिद इन इस्लामाबाद। ओके राइट, तो लेक्सी चलें देखते हैं, चलते हैं मस्जिद में, तो देखते हैं कि खूबसूरती को यहाँ पे मैं बयान करना चाह रहा हूँ, तो चलें चलते हैं गाइस। शाह फैसल मास्क दामने मार्गला हिल्स के अकब में वाक़ एक खूबसूरत तरीन मस्जिद होने का एजाज़ हासिल है, और पीछे पहाड़ों का खूबसूरत तरीन सिलसिला वाक़ है मार्गला हिल्स का। तो आप जब भी इस्लामाबाद आएँ, शाह फैसल मस्जिद का लाजमी विज़िट करें। तो आएँ चलते, देखते हैं, अंदर चलते हैं, और मज़ीद आपको मैं इसका दूसरी साइड से भी व्यू करवाता हूँ। तो आप जब भी आएँ शाह फैसल मस्जिद इस्लामाबाद ज़रूर आएँ। ओके, अभी मैं यहाँ पे मौजूद हूँ फैसल मस्जिद का बिल्कुल सामने, और मेरे सामने माशाल्लाह खूबसूरत तरीन फैसल मस्जिद जो है मौजूद है। आप यहाँ पे देख भी सकते हैं, देखिए ब्यूटीफुल फैसल मस्जिद। और इंशाल्लाह मेरी कोशिश रहेगी कि फैसल मस्जिद के अंदर जाकर फैसल मस्जिद की जो खूबसूरती है वो अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर दिखाई जाए। तो वीडियो पसंद आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट करके अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। तो थोड़ा सा व्यू आपको करवाना है, और उसके बाद फिर चलते हैं अंदर, अंदर की खूबसूरती जो फैसल मस्जिद की रहेगी, और पाकिस्तान की सबसे बड़ी और दुनिया की तीसरी बड़ी मस्जिद है शाह फैसल मस्जिद। अगर मौसम के लिहाज से बात करूं तो यहाँ पे टेम्परेचर 28 से 29 डिग्री सेंटीग्रेड है मौजूदा दर्जा हरारत, लेकिन सूरज की तपस जो है वो ज़्यादा है, जिसकी वजह से जो गर्मी की शिद्दत महसूस, लेकिन जब सूरज की शिद्दत जो है वो ज़्यादा है यहाँ पर, तपस ज़्यादा है, लेकिन जब सूरज की रोशनी में जाता हूँ तो फिर जो है वो एक गर्मी का एहसास होता है। टेम्परेचर ऑलमोस्ट डाउन है, टेम्परेचर ठीक है, लेकिन सूरज की तपश ज़्यादा है, और साथ में फैसल मस्जिद क्लाउड्स का एक खूबसूरत व्यू इस वक्त मौजूद है। अगर मैं वेदर की बात करूं, मौसम की बात करूं, तो मौसम आपको पहले बताया कि ठीक है मौसम। अभी यहाँ पे चीड़ के दरख्त हैं, और दरख्तों का काफ़ी जो सिलसिला यहाँ पे मौजूद है। तो अगर इंशाल्लाह मेरी कोशिश है कि मैं अंदर जाऊं, अंदर की जो खूबसूरती है वो उसको जो है वो आपको भी दिखाऊं, अंदर की दिखाऊं। और जब मैं आपसे एक छोटी सी बात करना चाहता हूँ, जब आप मस्जिद में आते हैं, मस्जिद अलग का घर है, तो आप मस्जिद का एहतराम करें, और उसके तकद्दस को अपमान ना करें।
और खुदारा अगर हाँ आपने मस्जिद की तस्वीर लेनी है आप तस्वीर लें, मैं आपको मना नहीं कर रहा तस्वीर से, लेकिन फोटोग्राफी से और फैशन स्टाइल लगा के मस्जिद में, खुदारा मस्जिद है अल्लाह का घर है, इसको आप कोई पार्क वगैरह ना बनाए, लेकिन मस्जिद अल्लाह का घर है, आप यहाँ पे आएँ, यहाँ पे आके नमाज अदा करें, अल्लाह ताला की इबादत करें, मस्जिद अल्लाह ताला की इबादत का घर है, ना कि कोई पार्क। तो अगर आपको मेरी बात बुरी लगी हो तो मैं आपसे तहे दिल से माफ़ी चाहता हूँ। जी हाँ, तो आपको एक बात बताता चलूँ कि पीछे मार्गला हिल्स का खूबसूरत सिलसिला वाक़ है, यहाँ पर वॉकिंग ट्रैक मौजूद हैं, आप यहाँ पे जाके वॉकिंग भी कर सकते हैं, ऊपर मार्गला हिल्स पर भी जाया जा सकता है, यहाँ पे ट्रैक मौजूद हैं। तो अभी मैं जा रहा हूँ फैसल मस्जिद के अंदर, तो अंदर चलकर उसकी खूबसूरती जब इंजॉय करते हैं। माशाल्लाह ब्यूटीफुल है मस्जिद इस्लामाबाद की, फैसल मस्जिद, शाह फैसल मस्जिद इस्लामाबाद। तो चलें, लेट्स गो, चलते हैं। शाह फैसल मस्जिद को पाकिस्तान की सबसे बड़ी मस्जिद होने के साथ साथ जनूबी एशिया की अजीम मस्जिद होने का एज़ाज़ भी हासिल है। ये जनूबी एशिया की सबसे बड़ी मस्जिद अपने अनोखे तर्ज तमीर के सबब तमाम मुस्लिम उम्मा में शोहरत की हामिल है। फैसल मस्जिद इस्लामाबाद में वाक़ है, जो कि शहर के आखिरी सिरे पर मार्गला की दिलकश पहाड़ियों के दामन में एक खूबसूरत मंजर देती है। इस मस्जिद की तमीर की तजवीज़ सऊदी हुक्मरान शाह फैसल बिन अब्दुल अजीज़ ने अपने दौरे इस्लाम में दी। बाद में तकरीबन 3 साल बाद एक आलमी सतह का मुकाबला मुनक़द कराया गया, जिसमें मुख्तलिफ ममालिक के 43 माहिर फन तमीर ने अपने अपने नमूने पेश किए। चौथे रोज़ तुर्की के विदत वालों के का पेश करदा नमूना तस्लीम कर लिया गया और सऊदी हुकूमत की माली इमदाद से 1976 में इस मस्जिद की तमीर शुरू की गई और मस्जिद का नाम भी शाह फैसल के नाम से मंसूब कर दिया गया। '86 में मस्जिद का तमीरी काम मुकम्मल कर लिया गया और इसके अहाता में बैनुल अक़वामी इस्लामी यूनिवर्सिटी तमीर की गई। ये मस्जिद कुल 5000 मरबा मीटर के रकबे पर मुश्तमिल है और बिरूनी अहाता को भी शामिल करके इसमें तकरीबन 80,000 से ज़ायद नमाजी नमाज अदा कर सकते हैं। इसका फन तमीर जदीद तकाज़ों से हम आहंग है और दीगर रवायती मसाजिद से कदर मुख्तलिफ है। इसकी शक्ल एक बड़े तखूनी खेमे की तरह है, जिस पर 4 बड़े बड़े मीनार जलवा अफरोज़ हैं। ये मीनार तुर्की का जदीद फन तमीर की अकासी करते हैं, जो मीनार के मुकाबले में कदर बारीक बनाए गए हैं। यही वजह है कि पहाड़ियों के दरमियान रात को ये मीनार नहायत दिलकश मंजर पेश करते हैं। मस्जिद के अंदर दरमियान में एक जदीद बरकी फनूस निसब है। इस मस्जिद की अंदरूनी दीवारों पर जदीद खताती के ज़रिए कुरानी आयात लिखी गई हैं। इस मस्जिद के फन तमीर में मुख्तलिफ रवायती अंदाज़ों की वाज़ह झलक है, जिसमें अरबी, ईरानी, हिंदी तर्ज तमीर का अंसर मौजूद हैं। इस मस्जिद की कुल तमीरी लागत का अंदाज़ा 120 मिलियन अमरीकी डॉलर तक लगाया जा गया है। इसके खूबसूरत मीनारों की बुलंदी 90 मीटर तक, जबकि हाल ही में इस मस्जिद की तस्वीर पाकिस्तानी 5000 रुपये के नए बैंक नोट पर बनाई गई है। जी ओके, इस वक्त मैं आ चुका हूँ वजू खाने में शाह फैसल मस्जिद में, और अजान ज़ोहर हो चुकी है और तकरीबन 5 से 7 मिनट हो चुके हैं ऑलरेडी। तो नमाज भी अदा करें बाजमात, और ये वजू खाना यहाँ पे भी वजू करके मैं, तो फिर इंशाल्लाह अंदर चलते हैं तो नमाज अदा करते हैं मेरे साथ। जी हाँ, तो नाज़रीन हम आपको दिखा रहे हैं, ये है शाह फैसल मस्जिद में वजू खाना, यहाँ पर आके आप वजू करके बाजमात नमाज अदा कर सकते हैं। और यहाँ से सीढ़ियाँ ऊपर की तरफ जाती हैं शाह फैसल मस्जिद में, और जहाँ पर आप जाके बाजमात नमाज अदा कर सकते हैं, और यहाँ पे 80,000 से ज़ायद नमाजी नमाज अदा कर सकते हैं। शाह फैसल मस्जिद पाकिस्तान की सबसे बड़ी मस्जिद होने का एजाज़ हासिल है, जो कि मार्गला हिल्स के साथ वाकई खूबसूरत तरीन मस्जिद है।
और अभी जमात का टाइम हो गया है, तो यहाँ पे जो वाइट पत्थर मैंने आगे आपको दिखाया है जो वह बिल्कुल ठंडा है। तो जब आप गर्मियों में सर्दियों में ठंडा नहीं होता और ना गर्मियों में जो वो गर्म होता है, तो मसला यहाँ पे वो पत्थर लगाया गया है। तो अभी जा रहे हैं अंदर, अंदर की खूबसूरती आपको मैं दिखाता हूँ, मेरे साथ देखा। जी ये जो आप पत्थर देख रहे हैं ये बिल्कुल ठंडा पत्थर है और जो है वो गर्म नहीं होता गर्मियों में, ठीक है। और ये जो दूसरा पत्थर है ये गर्म हो जाता है, लेकिन ये जो सर्दियों में भी ठंडा होता है, तो जो दूसरा पत्थर है वो सर्दियों में भी ठंडा नहीं होता। ज़ोहर मैंने अदा कर लिया है और अब आपसे मैं चाहूँगा इजाज़त। और फैसल मस्जिद में मैंने नमाज़ अदा की है, यहाँ पे नमाज भी बैठे हुए हैं। तो अभी आपसे मैं चाहूँगा इजाज़त, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे जरूर लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अगर नए हैं तो कमेंट करके अपनी कीमती राय से ज़रूर अदा कीजिएगा। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़, गुड बाय।